और रूस यूक्रेन जंग के मैदान से इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, यूक्रेन भी रूस को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। रूस यूक्रेन के हथियारों को निशाना बनाकर नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है। रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका से मिले हुए हथियारों के बल पर रूस को माकूल जवाब देने में यूक्रेन लगातार जुटा हुआ है। पीछे यूक्रेन भी नहीं है, यूक्रेन रूस की आर्टिलरी पोजीशन को लगातार निशाना बना रहा है। इसमें बहुत ही सटीक माने जाने वाली तोप का इस्तेमाल हो रहा है जो उसे अमेरिका से मिली है। इस वक्त कमो 52 हेलीकॉप्टर से रूस की सेना यूक्रेन की कई पोजीशन पर बमबारी कर रही है। यह हेलीकॉप्टर रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे आगे है और इनकी बमबारी से यूक्रेन को कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। Погані результати, зокрема, збито 4 російські ударні гелікоптери і вже більше 10 ударних безпілотників іранського виробництва. पुतिन इस वक्त डॉनबास से आगे बढ़कर खार्किव और खेरसोन में लगातार हवाई हमले कर रहे हैं और इसमें वो दो बहुत ही खतरनाक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें एक है कमो 52 हेलीकॉप्टर जिसने पूरे डॉनबास में रूस के हेलीकॉप्टर अटैक की कमान संभाली हुई है। वहीं रूस का पुराना अटैक हेलीकॉप्टर MI-35 जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है उसकी तादाद भी ऑपरेशन में बढ़ा दी गई है। MI-35 की बॉम्बिंग की तस्वीरें जमीन पर किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती है। इसमें लगे रॉकेट जब एक साथ फायर किए जाते हैं तो एक बड़े इलाके में दुश्मन के पास भागने तक का रास्ता नहीं बचता। पुतिन के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती खार्किव है। ऐसे में अगर खार्किव ज़ेलेंस्की के हाथ से निकला तो कीव को ज़ेलेंस्की कब तक बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के सामने है कि वो अपनी फौज तक नए हथियार कैसे पहुंचाएं। यूक्रेन के फौज के पास बड़े हथियार तो हैं, लेकिन छोटे हथियारों की कमी हो चुकी है। उनकी इन्फेंट्री या मिलिशिया के पास लड़ने के लिए अब हथियार खत्म हो रहे हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की ने छोटा मोटा टारगेट सेट नहीं किया है, वो सीधे 3 लाख करोड़ वाली रिक्वेस्ट दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उनको आखिर मिलेगा कितना। Preliminary estimate is that somewhere between $3 and $4 billion are necessary on a monthly basis, and the numbers would be determined by 3 factors. युद्ध लड़ना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। रोज अरबों का गोला बारूद दागा जाता है। फौज के मूवमेंट पर इतना पैसा खर्च होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अरबों डॉलर्स की बारिश चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को पूरी उम्मीद है कि 3 लाख करोड़ की बारिश होगी तो वो पुतिन को हरा सकते हैं। कम से कम वो इस बात का भरोसा बाइडेन और नेटो को जरूर दे रहे हैं और ऐसी पावर उनकी बातों पर ध्यान भी दे रही है। After 8 months of war, the Ukrainian people and their leaders remain determined and resilient. I am horrified by Russia's actions.